हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि धरती अपने धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है, लेकिन अभी हाल ही में आए रिपोर्ट्स के मुताबिक धरती की जो रोटेशन स्पीड है वो बढ़ गई है। वैसे धरती एग्जैक्टली जो अपना एक चक्कर पूरा करती है अपनी धुरी पर वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है, लेकिन अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक धरती की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, उससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हम पहले थोड़ा सा जानते हैं कि धरती का आखिर रोटेशन स्पीड है क्या। सबसे पहले उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि धरती की जो परिधि है वो कितनी है। परिधि बोले तो सरकमफेरेंस जिसको बोलते हैं, जिसको पैरामीटर भी बोलते हैं, उसकी जो परिमाप होता है वो 40,075 किलोमीटर है, मतलब 40,000 के आसपास, जो कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इस हिसाब से एक सेकेंड में धरती 460 मीटर घूमती है। अगर यही किलोमीटर पर आवर में बात करें तो 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी धरती जो रोटेशन स्पीड है धरती की, इस हिसाब से चलती है, जबकि हमें इस बात का आभास बिल्कुल नहीं होता कि हमारी धरती इतनी तेजी के साथ रोटेट होती है। वहीं ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि सूर्य के चक्कर भी हमारी पृथ्वी लगाती है, और धरती एक साल में सूर्य का चक्कर कंप्लीट करती है, और उसकी स्पीड अगर हम बात करें तो एक सेकंड में हमारी धरती 30 किलोमीटर चलती है। और हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारी धरती की जो रोटेशन स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। धरती की जो रोटेशन टाइम है वो हमेशा से एक सेकंड से भी कम, कुल 2 मिली सेकंड कम हो गया है, जिससे हमारे दिनचर्या पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये चौंकाने वाला बदलाव आया हुआ है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और जो लोग नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।